शिव अलख निरंजन शिव अमर विभूति, शिव अलख निरंजन शिव अमर विभूति, रुद्राक्ष की माला तन भस्म विभूति, है आदि तू और अंत तू ही, है धर्म तू ही और पंत तू ही, तेरी दया पे जीवित जग सारा, हर हर महादेवा हर हर महादेवा, हर युग में है महिमा मंडित तू, है अजर अमर अखंडित तू, हर हर महादेवा हर हर महादेवा। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल ओम साई राम जय माता दी हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे डॉक्टर नीतू सिंह चैनल, और मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए, आपको वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिए। फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपको वीडियो कैसी लगती है वो कमेंट्स में आके कमेंट्स बॉक्स में आके आप ज़रूर बताइए। हर युग में है महिमित तू, है अजर अमर अखंडित तू, हर हर महादेव। ये भगवान की भक्ति और ये अध्यात्म और ये जो कुछ शक्तियां हैं, ये जो यूनिवर्स है जो हमारे साथ है, और ये जो कुछ शक्तियां हैं जिसके कारण हम इस पृथ्वी पे जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, और ये जितनी भी प्रक्रिया इस पृथ्वी पे हो रही है ये सब उनके ही कृपा से और उनके ही कारण है। कुछ शक्तियां जो हैं जो हमें इस दुनिया में भेजती हैं, और इस दुनिया में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मैं कार्यक्रम ही कहूँगी, और एक जो हमारा पात्र होता है और हमारे पात्र के अकॉर्डिंग जो नाटक होते हैं, जो हमारे को स्क्रिप्ट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये ज़िंदगी और ये जीवन चलती है। फ्रेंड्स आज कुछ अलग हट के बात करते हैं, आज बात करते हैं कुछ योग की, प्राणायाम की, कुछ मुद्राएं की, जो आपके जीवन में एक अमृत के समान कार्य करेगी। लोग लाखों हजारों रुपए पता नहीं अपने बीमारी पे खर्च कर देते हैं, और बाद में ऐसी नौबत आती है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके कारण वो वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। हमेशा कहा गया है कि जो कार्य आप जो योग है और ये अगर आप करते हो तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जबकि इसके बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। आपके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, आपका दिन अच्छा रहेगा, आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी, निगेटिविटी आपके जो निगेटिव थॉट्स आते हैं वो भाग जाएगी, जो पॉजिटिविटी है वो आ जाएगी आपके जीवन में। तो आपके जिसमें कि कोई ना तो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, ना तो आपका कुछ मतलब मैं बोलूं कि टाइम खर्च हो रहा है, क्योंकि ये टाइम आपका है, आपके स्वास्थ्य के लिए है। वो जो टाइम आप अपने आप को दोगे वो टाइम कोई भी निकाल सकता है, मॉर्निंग के टाइम, इवनिंग के टाइम, या जब भी आपको टाइम मिलता है वो टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हो। हाफ एन आवर है, 20 मिनट्स है, 25 मिनट्स है, आप आराम से निकाल सकते हो अपने लिए। प्राणायाम योग हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अगर आप नियमित रूप से अगर अपने जीवन में प्राणायाम या योग को उतारते हो और आप कुछ मुद्राएं बनाते हो तो इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आ जाएगी। कई चीज़ें होते हैं ना, कई हमारे जीवन कई सारे हम जब ग्रहों को मानते हैं तो जैसे क्योंकि ये कैलकुलेशन होता है और जो ग्रहों की प्रतिक्रिया होती है, तो ये सब भी माना जाता है कि आप योग के थ्रू और जो योग मुद्राएं बनती हैं उनके थ्रू आप यूनिवर्स में आप अपनी शक्तियां भेज सकते हो, उनकी शक्तियां ग्रहण कर सकते हो, और इससे आपका जीवन सफल होगा और आपका जीवन स्वस्थ होगा, आप निरोग रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे। जितना हो सकता है अपने ज़िंदगी में आप योग को उतारो,
प्राणायाम को उतारो। अगर आप मॉर्निंग में लेट उठते हो तो आप अपना जो उठने का शेड्यूल है वो आप अपना ठीक करो, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में कोई भी इतना टाइम मिल जाता है कि किसी को भी 20 मिनट 25 मिनट आराम से मिल सकता है, वो अपने लिए निकाल सकते हैं। और वो जो 20 और 25 मिनट है वो आप योग में प्राणायाम में लगा सकते हो। आप अपने लिए, खुद के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप इतना टाइम अपने आप को दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप टाइम निकालो, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आप दवाइयाँ खाने से बचो, हॉस्पिटल जाने से बचो, आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो आते हैं आपको स्वास्थ्य को लेके, उससे आप बच जाओगे अगर आप नियमित तौर से योग करते हो, प्राणायाम करते हो। प्राणायाम जो है ना, कहते हैं कि जीवन को आपको जो एक ये ज़िंदगी मिली है, आगे की ज़िंदगी क्या होगी किसी को नहीं पता है, कौन से योनि में आप जन्म लेने वाले हो ये बिल्कुल नहीं पता है। ये जो एक मनुष्य जीवन आपको मिली है वो बहुत ही अद्भुत है, और इस अद्भुत जीवन को आप भगवान का वरदान मानो, प्रसाद मानो, और इस प्रसाद को आपको अमृत के समान ग्रहण करना है। और अगर अमृत के समान आप ग्रहण करना है तो आपको योग को अपने जीवन में उतारना है, प्राणायाम को अपने जीवन में उतारना है। ये शरीर हमारा मंदिर है, इसको जितना आप पूजोगे, जितना आप इसको संजो के रखोगे, जितना आप इस पे ध्यान दोगे, जितना आप, जैसे हम भगवान को पूजते हैं, मंदिर में रखते हैं और हम देखते हैं कहीं कोई गंदगी ना रखे, हर दिन हम मंदिर की सफाई करते हैं, हर दिन हम वहाँ देखते हैं कि कुछ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से हम मंदिर की साजो सफाई करते हैं, जिस तरीके से हम मंदिर पे ध्यान देते हैं, इसी तरीके से हमारा शरीर है, शरीर को आप एक मंदिर के समान मानो, और इसको हर दिन, नित्य प्रतिदिन आपको इसकी सफाई करनी है। जो निगेटिव थॉट्स है उसको आपको भगाना है, जो पॉजिटिव थॉट्स है उसको आपको ग्रहण करना है, अडॉप्ट करना है, जितनी खुशियां हो सकती है वो सब आपको अपने जीवन में लाना है। सीरियस और शांत तो एक दिन हमें हो ही जाना है। तो जो हमें ये जीवन मिला है, क्योंकि भगवान जो है वो अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा नहीं करते, वो ये सवाल करते हैं जब आप ऊपर पहुंचते हो इस दुनिया से विदा लेके, तो वो यही कहते हैं कि हमने तो तुम्हें बहुत सारे सुअवसर दिए थे, बहुत सारे ऐसे मौके दिए थे जिस मौके को तुम जी सकते थे, जिन खुशियों को तुम अपने अंदर भरपूर मात्रा में ले सकते थे, वो खुशियां जो तुम्हारे इर्द गिर्द थी, सामने थी, उसको तुम भोग सकते थे, लेकिन तुमने उस चीज़ को अस्थगित करते हुए अपने जीवन को, कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और परसों नहीं फिर कब, ऐसे करते करते एक दिन आपके जीवन, आपकी ज़िंदगी ही अस्थगित हो जाती है, चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। तो जो अस्थगित करते हैं, जो रोकते हैं अपनी खुशियों को, जो रोकते हैं अपनी सारी भावनाओं को, वो ज़िंदगी क्या जीते हैं? मेरे मायने में तो वो ज़िंदगी कुछ नहीं जीते हैं। जो पल है, जो वक्त है, जो जीवन है, वो अभी है, इसी टाइम है। जो एक जीवन मिला है, उस जीवन में हमें सब कुछ करना है, सब कुछ कर गुजरना है। सात्विकता से, पवित्रता से, ऊर्जा से, सकारात्मक सोच से आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और भरपूर ऊर्जा और सकारात्मक सोच आप उतार सकते हो, आप जी सकते हो। भगवान हमेशा हमें अवसर देते हैं खुशियाँ ग्रहण करने के लिए। वो नहीं कहते कि तुमने क्या कर्म किया या क्या कर्म नहीं किया, क्या तुम अच्छा कर रहे हो, क्या तुम बुरा कर रहे हो। ये कि तुम्हें जो वक्त दिया है, जिस वक्त को तुम जी सकते थे, उस वक्त को तुमने कल परसों पे टाल दिया, और फिर वो वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गया। हम छोड़ देते, जब बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तब ये काम करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो जवानी में ये कार्य करेंगे, जब जवान हो जाएंगे तो, जवान होते तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें सारे अपनी खुशियां, जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हमारी सोच है, वो सब उस एज में जाके करेंगे। और एक वक्त आता है जब वो एज भी निकल जाती है और हम भी निकल जाते हैं, तो ऐसा होता है, और हमारी सारी जो मन की भावनाएं रहती है वो धरी की धरी रह जाती है, वो हम यहीं छोड़ के चले जाते हैं, हमारी कोई बातें पूरी नहीं होती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने खुशियों का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाइए और खुश रहिए।
अब खुश रहने के लिए मैं आपको एक मुद्रा बता रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी में जो इतनी सारी खुशियाँ लेके आएंगी, यूनिवर्स में आपकी पॉजिटिविटी पहुँचाएंगी, बहुत सारे आपके जो रोग हैं वो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट हो, ओवरथिंकिंग के आप अगर पेशेंट हो, तो इसके अगर आप नित्य प्रतिदिन अभ्यास करते हो, हफ्ते 15 दिन महीने अगर आप इसका रोज अगर अभ्यास करते हो, तो इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी ब्रीदिंग सिस्टम कंट्रोल होगी, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सही हो जाएगा। किसी को अगर पित्त की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ आज आदि मुद्रा की। आदि मुद्रा जो है वो मैं एक बार बताना चाहूँगी कि जैसे जो बच्चा जब पैदा होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसको आप देखते होंगे कि वो ऐसे करके सोता है मुट्ठी बंद करके और बहुत ही गहरी नींद में और चैन की नींद सोता है। तो इसी तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ कि आदि मुद्रा कैसे बनाते हैं। ये हमारी हथेली है और ये हमारा अंगूठा है। अंगूठा हम अंदर की ओर करेंगे और इस तरीके से हम मुट्ठी बनाएंगे, ऐसे दोनों हाथ को। ये हमारा बन गया आदि मुद्रा, इस तरीके से अंगूठा हथेली के बीच और ये चारों उंगलियां मुट्ठी बंद। अब ये आप मुद्रा बना के, आदि मुद्रा बना के आप घुटने पे रखो और किसी शांत स्थान पे आराम से आप बैठो और अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को आप याद करो। और उस इनवर्स पे आपकी जो कामना है, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, आपके जो जो कुछ निगेटिव थॉट्स आते हैं, उन सबको आप वहाँ इनवर्स में भेजो और आप बोलो कि मुझ में ऐसी शक्तियाँ आएँ कि मैं इन सब से मुक्ति पा जाऊँ। और आप देखोगे कि इस वाइब्रेशन से, आदि मुद्रा के वाइब्रेशन से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको आप अनुभव करोगे धीरे धीरे। अगर आप नित्य प्रतिदिन इसके आप अभ्यास करते हो, तो इस मुद्रा को, आदि मुद्रा को अगर आप बनाते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलती है। बहुत सारी आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो आपकी श्वास की प्रॉब्लम है, वो आपकी सही हो जाएगी। कि बहुत सारे अभी देखा जाता है कि उनको गैस की प्रॉब्लम होती है, मतलब जो पाचन तंत्र है वो खराब हो जाता है, श्वास जैसे लेने या छोड़ने में दिक्कत होती है, समटाइम ऐसा होता है। और वैसे भी अभी पॉल्यूशन दिल्ली में या कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेके कई बार श्वास की दिक्कत हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम से जो श्वास से लेने की जो आपकी ये क्रिया है वो थोड़ी धीरे हो जाती है या बीच में अटकती है, ये सब ठीक हो सकता है अगर आप रोज आदि मुद्रा की। मैं फिर से बताऊंगी कि ये हथेली है और इस अंगूठे को हम हथेली के बीच लाए और ये चारों उंगली को हमने ऐसे मुट्ठी बना लिया। अंगूठे पे प्रेशर होना चाहिए ऐसे। ये हुआ आदि मुद्रा। आदि मुद्रा बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको निजात देगा, बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशन लाएगा, आपके जो श्वास की जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको हो रहा है, उन सारे, क्योंकि मुद्राएं जो भी आप मुद्रा बनाते हो, हस्त मुद्रा बनाते हो, वायु मुद्रा बनाते हो, जल मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा, ये सारी मुद्राओं के बारे में मैं फिर से बताऊंगी आगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, मैं आपको योग और मुद्राएं के बारे में एक एक टिप्स ज़रूर देती रहूँगी। तो अगर आप ये सारी मुद्राएं बनाते हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है कि वो सारे प्रॉब्लम्स को हटा देती है। तो आदि मुद्रा का आप लोग नित्य प्रतिदिन प्रयास करो और जितना हो सकता है अपनी ज़िंदगी में प्राणायाम को, आप और कुछ नहीं कर सकते हो तो आप आराम से आप वायु मुद्रा में आप बैठ सकते हो और आप ब्रीदिंग जो प्रक्रिया है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप उसको कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग आप इन एंड आउट आप कर सकते हो, आप लंबी सांस लो, आप छोड़ो
और हमेशा बैठने की, कभी भी ऐसे झुक के मत बैठो। अगर आप झुक के बैठते हो तो आपके सारे पेनक्रियाज जो है उनका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। हमेशा आप पीठ जैसे रीढ़ की हड्डी है उसको सीधे करके आप बिल्कुल ऐसे आप अगर बैठते हो तो ऐसे में भी आपकी सारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो सकती है। अपने बैठने का पोस्चर हमेशा आप इस तरीके से स्ट्रेट रखिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब भी आप प्राणायाम के लिए बैठते हो तो उस टाइम में आप अगर पद्मासन लगा सकते हो या सुखासन लगा सकते हो, आप लगाओ, आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इस तरीके से करके आप किसी शांत स्थान में बैठ के आप प्राणायाम, आप डीप ब्रीदिंग या आप अनुलोम विलोम भामरिक है, बहुत सारे ऐसे प्राणायाम है जो आप रेगुलर करके अपने ज़िंदगी से जो रोग है, जो कुछ ऐसे बीपी की प्रॉब्लम होती है, आप देखोगे गैस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप सिर्फ योग से ख़त्म कर सकते हो। जितना ज़्यादा हो सकता है योग को, प्राणायाम को अपनी ज़िंदगी में उतारिए और निरोग रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशियाँ अपने जीवन में भरपूर मात्रा में लेकर आइए। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आप बीमारियों से दूर रहेंगे। एक दूसरे का साथ देते रहिए, जितना हो सकता है अपने अंदर भरपूर ऊर्जा ग्रहण करिए, जितना हो सकता है सकारात्मक सोच रखिए, जितना हो सकता है तो दूसरे को दूसरे की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए, हेल्प करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य है। और खुश होने का तरीका है कि डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते रहिए। कैसा लगता है ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके बताते रहिए। हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को काटिए। जो ज़िंदगी मिली है, एक ज़िंदगी, उस ज़िंदगी को आप एक यादगार ज़िंदगी बना के इस दुनिया से कूच करिए। बिल्कुल मेरा मानना तो यही है। तो हंसते मुस्कुराते और एक दूसरे का साथ देते हुए, ऊर्जामान होते हुए, सकारात्मक सोच के साथ और हर हर महादेव कहते हुए अपनी ज़िंदगी को बिताइए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में विदा लेते हैं फिर से अच्छी और सच्ची और रियलिटी बेस्ड बातों के साथ में। कुछ आपके सेहत के लिए अच्छी बातें और कुछ जो घटनाएं घटती है, कुछ जो अनुभव होती है, उन सारे बातों को लेके मैं आपके सामने आऊंगी। होप कि आप सब उन बातों को एडॉप्ट करते हैं, आप सुनते हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आके बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंकर।